हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। चलो लर्न करते हैं। मेरा नाम है मनीषा। आज हम लोग कोकोनट ट्री यानी कि नारियल के पेड़ की ड्राइंग बनाएंगे। ओके, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें कर्व के शेप का इस तरह से ड्राइंग करना है, कर्व जैसा हमें निकालना है शेप। ओके, और फिर देखिए मैं जैसे निकालते जा रही हूँ, नुकीली पत्तियों के जो शेप होते हैं वो मैं निकाल रही हूँ। इस तरह से आपको निकालते जाना है इस तरह से, और इसमें भी मैं इसी तरह से निकाल दूंगी। अंदर लाइन खींचा इस तरह, फिर ऐसे, फिर अंदर, इसी तरह से हमें करते जाना है और मिला देंगे। ये हमने एक और इस तरह से फिर बना लिया, ये हमने पूरा कर लिया। अब ये हम दूसरा यानी कि ये हमारा पांचवा है, ये हमारा पांचवा पत्ता वो निकाल रही हूँ मैं। ठीक है, इस तरह से फिर करते हुए इस तरह से कर देना है। बीच में हमने लाइन खींच दिया इसी तरह, इसमें बीच में लाइन निकाल दे ताकि लगे कि हाँ लीफ है कोकोनट ट्री का पत्ता। ये देखिए, ये हमने इस तरह से खींचा है ना। अब हम इसे क्या करेंगे, शेप दे दिया पहले गोल, और फिर हम इसे इस तरह से निकाल देंगे। अगर आप डायरेक्ट नुकीले जो शेप होते वो ना निकाल पाए तो क्या कह रहे, पहले आप कर्व टाइप के पत्ते बना लें, जिसे पत्ते होते हमारे वो बना लें, उसके बाद आप नुकीले शेप निकालें। तो इस तरह से हमारा ठीक से पत्ते बन जाएंगे। ये मैं अब नारियल बना रही हूँ, ये हमने नारियल बना दिया। अब ये देखिए, कर्व करते हुए हमें पेड़ बनाना है नारियल का। पहले ऊपर क्या करेंगे, थोड़ा पतला रखेंगे, नीचे चौड़ा रखेंगे। ठीक है, अब फिर इस तरह से मैंने बना दिया, घास वगैरह कुछ कुछ। ये देखिए, ये मैं थोड़ा चौड़ा ले लिया था तो मैं इसे पतला कर रही हूँ। ऊपर से थोड़ा पतला रहेगा और नीचे फिर मेरा चौड़ा हो जाएगा। ये वाला नीचे का जो होता है पेड़ का शेप, वो चौड़ा रहेगा। ये मैं इस तरह से निकाल दूँगी। नारियल के पेड़ में होते ही हैं इस तरह से निकले हुए। अच्छा, ये देखिए मैं बीच से निकाल रही हूँ, देखिए। ठीक है, इस तरह से निकाल देना है, ये हो गया। अब ग्रीन कलर से मैं कलर करूँगी इसमें। ये देखिए, मैं नुकीले जो शेप हैं उसे मैं देखिए किस तरह से कलर करी, पहले उस पर कर रही हूँ, फिर पीछे ढकेल करके मैं कलर कर रही हूँ। हाँ, इस तरह से आगे फिर पीछे, तो इस तरह से जो नुकीले जो शेप है ना उसे कलर करते हुए जाना है। ठीक है, ये जो मैंने ब्रश की जो साइड से मैं उसी से कर रही हूँ, जो फ्लैट ब्रश के साइड्स होते हैं, चाहे तो आप राउंड ब्रश भी ले सकते हैं, और उसकी जो नुकीले होंगे ना ब्रश के जो आगे के जो पार्ट हैं उससे आप नुकीली पत्तियाँ निकालें। ये देखिए, इस तरह से हमें नुकीली पत्तियाँ निकालते हुए कलर करते जाना है। ठीक है, मेन तो यही चीज़ है, इनकी नुकीली जो पत्तियाँ होती हैं आगे की ओर निकली हुई, वही तो मेन होते हैं नारियल के पेड़ के। इस तरह से हम पूरे में कलर कर लेंगे सारी पत्तियों में। ये देखिए, इस तरह से कलर कर लेंगे पूरे में। आप चाहे तो वैक्स कलर से कलर करें, और चाहे तो वाटर कलर से करें। देखिए, वैक्स कलर क्या होता है कि थोड़ा इजी हो रहता है, उसमें पहले आउटलाइन निकाल के अंदर हम फिल कर सकते हैं मोम के कलर से, लेकिन वाटर कलर में है कि थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैं वाटर कलर ही ज़्यादा सिखाती हूँ, क्योंकि वो तो थोड़े इजी होते हैं वैक्स कलर से या स्केच पेन से करना, पर इसमें थोड़ा ध्यान देना होता है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि वाटर ही कलर से मैं सिखा रही हूँ। तो और इस तरह से फिर नारियल के देखिए मैंने लाइट कलर डाल दिया है, येलो कलर डाला है मैंने। जब सूरज की जो किरणें पड़ती है तो चमकते हैं ना पत्ते, बस वही इफ़ेक्ट डालने के लिए मैंने इसे डाला है येलो कलर। ऊपर से मैं डाल दूँगी, पूरे में नहीं डालना है, बस ऊपर इस तरह। इसमें भी मैं इस पत्ते में भी मैं डाल दूँगी। इसी तरह सारे पत्तों में येलो कलर डाल दूंगी मैं इस तरह से।
अब मैं इसमें क्रीम कलर डाल रही हूँ। क्रीम कलर थोड़ा सा ये ब्राउनिश टाइप का हल्का है, हाँ। फिर इसके ऊपर से मैं ब्राउन कलर में डालूँगी, ठीक है। सेट देना है मुझे, तो सेट देने के लिए हम डालेंगे। देखिए मैं अब डार्क ब्राउन जो है वो दे रही हूँ, केवल हल्का लाइन टाइप का। ये देखिए फिर मैंने मिक्स कर दिया। ये मैंने सूखा ब्रश लिया, दूसरा ब्रश लिया मैंने मिक्स करने के लिए, उसी ब्रश से नहीं कर रही हूँ, दूसरे ब्रश से। तो ये मिक्स कर दिया इस तरह से, देखिए नीचे से भी मिक्स कर दिया, ताकि लगे नहीं कि लाइन हमारा खींचा हुआ है। अब मैं इसमें आउटलाइन दे दूँगी ब्लैक से। मैंने यहाँ पर ब्लैक पेन का यूज़ नहीं किया, ब्रश का यूज़ किया है, मतलब ब्लैक कलर से मैं ही आउटलाइन दे रही हूँ इसका। इसी तरह से ये जो नुकीली पत्तियाँ होती हैं उसको अच्छे से संभाल करके कलर करना है, आउटलाइन देना है। इस तरह से सारे में हम इस तरह करते करते आउटलाइन देंगे। आप चाहें तो ब्लैक पेन का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कलर के जो पेन आते हैं उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो वाटर कलर से भी आप कर सकते हैं। अब मैं लीफ के बीच से लाइन खींच रही हूँ, ठीक है, जो होते हैं इस तरह। मैं सारे पत्तों में आउटलाइन दे दूँगी। अब मैं देखिए ये जो पेड़ के हैं जो नीचे के, उसमें मैं आउटलाइन दे रही हूँ। इसी तरह मैं पूरे में आउटलाइन दे दूँगी। ये मैंने निकाल दिया इस तरह। अब हमें इस तरह से लाइन दे देना है ब्लैक से पूरे में, ठीक है। और फिर यहाँ दूसरी तरफ से भी ये दो लाइन के बीच में इस तरह से। अब यहाँ पत्ते के ऊपर मैं येलो कलर डाल रही हूँ ताकि थोड़ी शाइनिंग आए। अब ये हमारा कोकोनट ट्री तैयार हो चुका है बच्चों के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, जो कि रेड कलर से नीचे बटन है उसे आपको प्रेस करना है, और साथ ही बेल बटन भी प्रेस करना है। मैं ऐसी ही वीडियोज़ डालती रहती हूँ बच्चों के लिए, कभी पढ़ाई से रिलेटेड तो कभी ड्राइंग से रिलेटेड। ओके फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।